हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कुछ दिनों से अभी मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन आपसे कोशिश करूँगा कि थोड़ा कंटिन्यू वीडियो ला पाऊँ। और फिलहाल आज मैं आप लोगों को अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पहले बनाया हुआ था और अब फिलहाल कुछ दिनों से नहीं बनाया हूँ। लगभग 3-4 महीनों से मैं कोई भी स्केच नहीं बनाया हूँ। तो जो मैंने पहले बनाया हुआ था उस स्केच को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा कौन सा आर्टवर्क, कौन सा मेरा स्केच सबसे बढ़िया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता अपना आर्टवर्क। तो यहाँ है मेरे कुछ आर्टवर्क, इतना सारा है। मैं आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ कि पहले मेरा कैसा स्केच था और फिर बाद में किस तरह से हो गया। तो ये देखिए, ये मेरा पहला स्केच है। तो ये उतना खास बना नहीं होगा, कोशिश किया था बनाने का। और ये एक रैंडम इसे लड़की को, छोटा बच्चा का चूज किया और इसे बनाया था मैंने। तो ये रहा मेरा पहला स्केच, फिर साइड में रखते हैं। ये है दूसरा स्केच, ये भी उतना खास नहीं बना था क्योंकि उस टाइम ये मेरा लगभग तीसरा या चौथा स्केच था। उससे पहले भी बनाया हुआ था तो वो मिल नहीं रहा है कहाँ रखे थे, इतना सारा मिला है। तो ये भी उतना खास नहीं बना था, उस टाइम मेरा प्रैक्टिस चल रहा था। तो इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद मैंने ये महेश बाबू का बनाया हुआ था, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा बना था। इसमें बहुत मेहनत लगा था बनाने में, लगभग इसको बनाने में हमको 3.5 घंटा लगा था। तो इसको भी अब साइड में रखते हैं। उसके बाद ये है, इसमें मैंने कुछ मेहनत नहीं करा था, बस ऐसे ही बैठ गया था लेके। तो ये भी उतना खास नहीं बना है। यहाँ से सुधार हुआ था। ये मैंने अपने गांव के एक बच्चे का बनाया था जिसका नाम मुकेश है, और ये थोड़ा अच्छा बना। उसके बाद से थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होगा। फिर मैंने ये बनाया था, ये भी बढ़िया बना था, लेकिन इसका नाक थोड़ा, दोस्तों आप देख रहे होंगे, थोड़ा टेढ़ा बना दिया था क्योंकि उस टाइम पर मुझे उतना पता नहीं था। फिर बाद में यूट्यूब में देखा कि किस तरह से सीधा फिगर बनाए, उसके बाद से फिगर मेरा सीधा बनने लगा। ये देखिए, यहाँ पे बाहुबली और देवसेना का मैंने बनाया हुआ था। ये फिगर मुझे सबसे बढ़िया लगा था बनाने, और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि इसमें दो फिगर है, एक है बाहुबली का और एक देवसेना का। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। उसके बाद ये मैंने बनाया था, मेरा भगना है उसका है। फिर ये मैंने एक रैंडम लड़की का बनाया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा है। उसके बाद मैंने ये बनाया था, मैंने सबको एक करके रखा है, जिससे मैंने जिस तरह से फिगर बनाया उस हिसाब से इनको मैं सेट करके रखता गया था, फिर सबको एक ही बार में निकाला है। तो ये देखिए, इसके बाद ये बनाया था। फिर ये बनाया था। ये मैं इंडिपेंडेंट डे के दिन बनाया था, और इसको मैंने कलर पेंसिल से बनाया हुआ है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसा लगा ये, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा,
जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे हमारे चैनल का। ये मैंने इंडिपेंडेंट डे के दिन बनाया था। इसके बाद ये MS धोनी का बनाया था। ये मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला था बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये बनाया था। और ये मेरा सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा फिगर अब तक का हमको लगा, क्योंकि इसमें मैंने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करा था। इसको बनाने में लगभग 7 घंटा लगातार से बैठे हुए बनाया था, खाना पीना छोड़ के, क्योंकि इसके जो बाल के वाइट कलर थे इसको करने में हमको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे कैसे। बहुत ही मेहनत से इसको किए थे, मिटाते थे फिर बनाते थे। अंत में बहुत मुश्किल के बाद ये मेरा बना था, और ये मेरे दादाजी का है और हूबहू ये फिगर बना था। ये मेरे दादाजी का है। आर्ट बाय राहुल, मेरा ही नाम है राहुल, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ अपना नाम। इसके बाद ये बनाया था, ये एक फ्रेंड था जिन्होंने मुझे अपना फोटो सेंड किया था बनाने के लिए। इसमें मैंने शेड नहीं किया ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा शेड नहीं किया है, शेडिंग अच्छा से इसमें इतना खास नहीं किया। कर ये मैंने एक रैंडम लिया था, बहुत दिनों से नहीं बनाया था तो बनाने का मन किया था, ये मैंने लेके बनाया हुआ था। और अंत में मैंने ये बनाया था, इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा शेडिंग किया है। इसमें इसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, इसको भी बनाने में लगभग 4 से 5 घंटा लगा था। जितने भी फिगर मैंने बनाए, अगर पेंसिल से अगर बनाते हैं आप भी, कोई भी कलाकार बनाता है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। बस इतना सारा मेरा स्केच जो कि मैंने बनाया था, और मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखता था और लग जाता था अपने से। और दोस्तों मेरा एक म्यूजिक चैनल भी है, अगर आप म्यूजिक सुनना अगर पसंद करते हैं, अगर मैं उसमें पियानो बजाता हूं और मोबाइल ऑक्टोपेड बजाता हूं, मोबाइल पियानो बजाता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां जाके, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको भी बजाना पसंद है पियानो तो ऐसे भी देख सकते हैं मनोरंजन के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख भी सकते हैं देख के। बाकी ये थे मेरा कुछ आर्टवर्क्स। मैंने इसके लिए कोई महंगा पेंसिल का यूज नहीं किया है, जो दुकान में आसानी से अवेलेबल हो जाता था अप्सरा का, उसी से बनाया है। और भी बहुत सारे आर्टवर्क्स थे, लेकिन जिसका जिसका था, जिस शख्स के लिए मैंने बनाया था, इन लोगों के लिए बनाया था, उन लोगों को गिफ्ट कर दिया। फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरा कौन सा आर्टवर्क सबसे बढ़िया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसी तरह समझदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय।